जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी हेडकांस्टेबल मिनिस्टर के एडमिट कार्ड को लेकर। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आप सभी लोगों के जो एडमिट कार्ड है स्किल टेस्ट के, वो निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। आपके स्क्रीन पे एक मैसेज दिखाई पड़ रहा है जिसमें आपको बताया गया, इन्होंने मैसेज किया अरुण कुमार ने, कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज पड़े हैं लेकिन किसी ने नहीं बताया है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे और इनवैलिड आईडी बताता है, ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था किस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं तो इनवैलिड आईडी आपकी बताती है। साथ साथ में आप लोगों को इस वीडियो बताने वाले हैं एडमिट कार्ड कैसे आप डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एसएससीबी हेडकांस्टेबल मिनिस्टर की जो वैकेंसीज है, जिसके एडमिट कार्ड अभी आ रहे हैं, वो 2018 की वैकेंसी जिसमें 181 पोस्ट निकल के आई थी। तो जो ये वैकेंसीज है 2021 की, अभी ये चल रही है, आपके अगस्त इसकी लास्ट रहने वाली है। तो आपने अप्लाई नहीं किया तो उसको अप्लाई कर लीजिए। तो जो अभी वैकेंसी चल रही है इसके एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं, एडमिट कार्ड आपके 2018 वाले का निकल रहा है, ना कि 2021 वाले का निकल रहा है। यदि आपने 2018 अप्लाई किया था और आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं तो आपके एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट के निकल रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ ना, कि जो इसलिए इनवैलिड बताता है क्योंकि आप 2021 से अप्लाई किए हैं, ना कि आपने 2018 अप्लाई किया होगा। 2018 में अप्लाई भी किए होंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालते होंगे, तो या तो आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया होगा तभी आपके एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, ऐसा होगा, या आप 2021 से अप्लाई किए हैं तो आपका भी एडमिट कार्ड निकला ही नहीं है, तो कैसे आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए इनवैलिड आईडी आपकी बताती है। अब कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना, आपको आना है गूगल पे, गूगल पे टाइप करना आपको एसएसबी। जैसे एसएसबी आप टाइप करते हैं आपको पहला लिंक ओपन हो जाता है। पहले लिंक पे आपको क्लिक करते हैं तो आपका पेज इस तरीके से ओपन होता है। ओपन होने के बाद आपको राइट साइड सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर क्या करना, पहला जो आपका स्किल टेस्ट वाला एडमिट कार्ड है इसी पे सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पेज इस तरीके से ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, दूसरे वालों को आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको वही डालना है जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस समय आपने पासवर्ड बनाया होगा। यदि आपको नहीं पता पासवर्ड तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेनी। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है इस तरीके से, जिसे आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, पिता का नाम, फोटो और सेंटर का नाम और किस डेट को रखा गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में शो हो जाते हैं और इस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।